हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आर डूइंग वेल सो आई एम नेहा सेठी वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी श्री गणेश बायोटेक शेयर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स आज तो इस शेयर ने बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है 8.82 परसेंट का नेगेटिव रिटर्न दिया है मैंने आपको डाउन ट्रेंड में जो टारगेट बोला था वो अचीव हो गया और आज तो ये शेयर वन रुपीज से भी नीचे आ चुका है 52 टू वीक हाई है 5.63 कोई स्ट्रेंथ फ्रेंथ अभी शेयर में हमें ज्यादा दिख नहीं रही है 20 परसेंट का बैंड है इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट में ज़्यादा कमी देखने को मिलती है तो शेयर प्राइस भी उस अकॉर्डिंग नीचे ही जाता है ऐसा ही सेम इस शेयर में हुआ है बट फ्रेंड्स अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है अगर न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो ट्वेंटी फर्स्ट के बाद से कोई न्यू अपडेट नहीं है बट न्यू अपडेट बहुत जल्दी आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर और क्वार्टर फोर के रिजल्ट से रिलेटेड देखिए दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट 0.27 करोड़ और पहले था 1.20 करोड़ तो फ्रेंड्स आधे से भी कम हो गया दैट्स वाई शेयर प्राइस भी लगातार नीचे ही जा रहा है क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस शेयर में वैसे भी प्रमोटर भी नहीं है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो वो निकल के अपने पैसे को सेव कर रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के रीजन से वो सभी शेयर से निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि शेयर में अब कोई स्ट्रेंथ नहीं है नेक्स्ट टारगेट हम क्या लेके चलेंगे शेयर में फ्रेंड्स जीरो जीरो तक जा सकता है शेयर आराम से एंड फ्रेंड्स हो सकता है बीच बीच में थोड़ी बहुत अपर अपर साइड हमें देखने को मिलेगा भी लेकिन रुख जो है इसका वो गिरावट की तरफ ही है अब फ्रेंड ये रुख तब तक चलेगा जब तक क्वार्टर थ्री के क्वार्टर फोर के फ्रेंड सॉरी रिजल्ट नहीं आते मैं आपको टारगेट्स देती रहूँगी जीरो पॉइंट नाइन जीरो तक जा सकता है नेक्स्ट टारगेट इसका वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस खुद से रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए कोई न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी एंड थैंक यू सो मच